हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल बिग नेट फैंटेसी क्रिकेट में। इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया के बीच में थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा। तो गाइस बात करेंगे दोनों टीम के प्लेइंग इलेवन के बारे में, ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं प्लेइंग इलेवन ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से दो चेंजेस हुए हैं, जेसन बैंड्रॉफ और नेथन लायन स्पिन में बाहर गए हैं। एडम जांपा बिली स्टैनली दोनों के दोनों उसको रिप्लेस करेंगे, बाकी पूरी की पूरी इलेवन सेम होगी। उसके बाद बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया से गाइस चेंजेस पॉसिबल हैं। पहला चेंज है मोहम्मद सिराज पॉसिबल, दूसरा है अंबाती रायडू, दोनों ही फ्लॉप रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करो तो केदार जाधव एक ऑप्शन है जिसको अंबाती रायडू की जगह खिलाया जा सकता है। बाकी युजवेंद्र चहल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है इस मैच में, इस मैच के लिए कि खिलाया जाएगा कि नहीं। और जो पिक्चर्स आ रही हैं बीसीसीआई की तरफ से, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें भी यही दिख रहा है कि युजवेंद्र चहल प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शायद खेल सकते हैं इस मैच में। तो डिपेंड करता है कैप्टन के ऊपर कि उनको लेते हैं कि नहीं, पर सिराज यहाँ पे काफ़ी रिस्की होंगे और रायडू भी काफ़ी रिस्की होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों टीम की, ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। तो दो टीम मैंने बनाई है, हालांकि लगभग एक जैसी टीम है, खास मैंने फ़र्क रखा नहीं है। सबसे पहले मैं टीम टू दिखाता हूँ, दोनों की दोनों सेम है। टीम टू में सबसे पहले विकेट कीपिंग की दो ऑप्शन कैरी और धोनी में जाना, तो कैरी के साथ चाहता हूँ। लेकिन बैटिंग ऑर्डर जो है इंडिया का कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि चार नंबर पर रायडू भी रिस्की लग रहे हैं। उसके बाद दिनेश कार्तिक तो 6 नंबर पे खेलते, इतना अच्छा ऑप्शन होगा नहीं। हालांकि रन बना देते हैं 15-20-25 तक, लेकिन उतने आपके लिए सफिशिएंट नहीं होते 50 ओवर के क्रिकेट में। आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको कम से कम 35-40 रन बना के दे। तो उस हिसाब से मेरे को टॉप 5 में से कोई लेना था, तो रायडू तो रिस्की थे। बाकी मैंने टॉप 3 में से 2 प्लेयर रखे हैं और तीसरा मुझे धोनी रखना पड़ रहा है। बैटिंग यूनिट से बात करूँ तो मैं विराट कोहली, एरन फिंच, शिखर धवन और पीटर हैंडकॉम के साथ गया हूँ। यहाँ पे अच्छा ऑप्शन सभी को पता है, रोहित शर्मा, शॉन मार्च अच्छा ऑप्शन है, उस्मान ख्वाजा अच्छा ऑप्शन है। बाकी टर्नर भी इस मैच में नहीं खेलेंगे, ये भी पर्स कोचर्स के लिए टीम खेल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है। कार्तिक खेलेंगे, ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत नीचे खेलते हैं 6 नंबर पे। मार्कस टोइनिस और रविंद्र जडेजा को लिया हुआ है। यहाँ पे गाइस ग्लेन मैक्सवेल को मैंने नहीं रखा है, उसका कारण यह है कि नंबर 7 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, हालांकि पिछले मैच में रन ज़रूर बनाए। दूसरी चीज़ ये है कि बॉलिंग ये है ज़्यादा नहीं करा रहे, 5 या 4 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं करवा रहे, तो ये कारण है इनको बाहर करने का। बाकी अगर ये 6, 7, 8 ओवर कराते तो मैं डेफिनेटली इनको अपनी टीम में रखता। और इस मैच की बात करूँ, एडिलेड में तो फिर भी स्पिन हो रहा था, टर्न होती थी, लेकिन इस पिच पे आपको ज़्यादा टर्न देखने के लिए मिलेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑफ स्पिनर अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। बॉलिंग यूनिट की बात करें, कुलदीप यादव को रखा है, बिली स्टैनली, जाय रिचर्डसन और भुवनेश्वर कुमार को रखा हुआ है। कैप्टन मैंने बनाया मार्कस टोइनिस को, वाइस कैप्टन में बना रहा हूँ शिखर धवन को। ये रहा मेरी टीम का प्रीव्यू। अब यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, धवन की जगह रोहित ला सकते हैं। बाकी यहाँ से बॉलिंग से भी एक आधा चेंज कर सकते हैं, कुलदीप की जगह मोहम्मद शमी ला सकते हैं, लेकिन मुझे कुलदीप यादव ही चाहिए। बाकी बिली स्टैनली 100% खेलेंगे, बिल्कुल आप ले सकते हैं। एडम जांपा भी खेलेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया से बात करो कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आपको पता ही है बैटिंग ऑर्डर में ऊपरी क्रम से लेकर कोई भी, पीटर हैंडकॉम ने पहले मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, फिर अगले मैच में जो कि 5 नंबर पे खेले थे, 4 नंबर पे शॉन मार्श ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। उसके बाद मार्कस टोइनिस ऑलराउंडर नीचे सबसे अच्छा कर रहे हैं। बाकी इंडिया से तो आपको बताइए टॉप 3 से आप किसी को भी कैप्टन बना सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, मैं आपको कोई एक बेस्ट ऑप्शन जो दूँ तो वो मैंने मार्कस टोइनिस चुना हुआ है। बाकी आपको पता है फिंच है, विराट कोहली है, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। कैरी को मैं लेना चाहता था, एलेक्स कैरी को, लेकिन मुझे इंडिया से एक बैट्समैन चाहिए था मिडिल ऑर्डर का, और धोनी के सिवा कोई और ऑप्शन था नहीं वहाँ पे, इसलिए मैं धोनी के साथ गया हूँ, तो मैं एलेक्स कैरी को नहीं ले सकता। तो भाई ये टीम करते हैं, आपके साथ कुछ फोन पर जाएंगे, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।